छठ का महापर्व नजदीक है, जिसे लेकर पूरे देश समेत प्रदेश में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के महादेव घाट में हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन छठ महापर्व आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 नवम्बर से 8 नवम्बर तक रहेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 7 नवंबर की शाम को होगा। साथ ही खारून माता की आरती भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका कल्पना पटवारी, गायत्री यादव और परिणीति राव पटनायक शामिल होंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ लोक गायक दिलीप सारंगी और आरू साहू समेत छत्तीसगढ़ के कई कलाकार भी शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम के लिए समिति के द्वारा जिला प्रशासन नगर निगम के सहयोग से शहर के सभी घाटों की सफाई भी कराई जा रही है। छठ महापर्व रख नहीं रहे हैं, ये रखा हुआ है, जिसको हम लोग एक मूर्त रूप देंगे। और ये व्रत जो है 5 नवंबर से प्रारंभ होके नहाय खाए के रूप में जो शुद्धता का व्रत होता है, 6 तारीख को खरना, यहाँ से एक संकल्प चालू होता है। खरना के उपरांत 6 तारीख को खरना के उपरांत जो 7 तारीख आएगी उसमें संध्या का अर्घ होगा, और 8 तारीख को उषा अर्ध उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर हम लोग व्रत भंडार महाभंडारे के बाद व्रत समापन की घोषणा करेंगे। लेकिन मुख्य कार्यक्रम महादेव घाट पर 7 तारीख को संध्या को होगा, जिसमें खारून मैया की महाआरती का भी आयोजन है, जो हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी और इस बार और भी बेहद तरीके से भव्य और दिव्य बनाया जाएगा उस चीज को। संस्कृति कार्यक्रम में कल्पना पटवारी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका हैं, और गायत्री यादव जी, जो देश की जानी मानी लोक गायिका हैं, और दिलीप सारंगी जी, यहाँ के आरू साहू, ये सब तमाम लोगों का वहाँ पे जमघट होगा और सब लोग अपना अपना प्रदर्शन करेंगे। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।